हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रिपल एवन प्लेइंग इलेवन में। और आज यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ प्लेइंग इलेवन, और सारे ही मैंने अपडेट्स निकाल लिए हैं। जो अपडेट्स निकल के आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर प्लेइंग इलेवन अरेंज की गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर टीम न्यूज़ की। तो टीम न्यूज़ ये है कि यहाँ पर डेविड विली प्रैक्टिस सेशन में कंटिन्यूसली पार्ट ले रहे हैं और आज इनके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। तो या तो इमरान ताहिर की जगह खेलेंगे या फिर सैम ब्लिंग्स की जगह, और ये भी हो सकता है कि फाफ डू प्लेसिस को वापस लाया जाए सैम ब्लिंग्स की जगह, बिकॉज सैम ब्लिंग्स भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर विली आते हैं तो आपको पता है जगह लिमिटेड है इनके पास, बिकॉज ब्रावो और वॉटसन तो मेरे हिसाब से नहीं बैठेंगे। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम के लिए। सैम बिलिंग्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो इनके चांसेस बहुत कम है आज खेलने के। और वहीं बात करें डेविड विली की, तो एक बॉलर है तो मेरे हिसाब से एक बॉलर की जगह पे आएंगे तो इमरान ताहिर को बैठना पड़ेगा। इमरान ताहिर के रिकॉर्ड पुणे में अच्छे हैं, तो डिपेंड करता है टीम क्या सोचती है। अगर रिकॉर्ड्स के बेसिस पे जाएगी तो इमरान ताहिर खेलेंगे, और अगर एक एक्स फैक्टर लाना चाहते हैं और डेविड विली को मौका देना चाहते हैं आज के मैच में, तो मेरे हिसाब से इमरान ताहिर को ही बैठना पड़ेगा, या फिर सैम बिलिंग्स की जगह पर इमरान डेविड विली को लाया जा सकता है। फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ेगा उनको, तो ये हो सकता है। इसके अलावा हरभजन सिंह ने पिछले मैच में बहुत बेकार इकोनॉमी, अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें तो सबसे बेकार इकोनॉमी इन्हीं की थी, और बहुत चौके छक्के पिटवाए थे। तो मेरे हिसाब से आज का मैच खेलने के चांसेस बहुत कम है हरभजन सिंह के। करण शर्मा के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज डिजर्व भी करते हैं, पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म भी किया था और अननेसेसरी इनको बाहर करा गया। तो मेरे हिसाब से करण शर्मा को वापस लाना चाहिए टीम में। तो यहाँ पर प्लेइंग इलेवन में जो होंगे शेन वॉटसन, अंबती रायडू, सुरेश रैना, एम एस धोनी, विलिंग्स की जगह पर या तो डेविड विली आएंगे या फाफ डू प्लेसिस आएंगे, रविंद्र जडेजा, ब्रावो, फिर यहाँ पर करण शर्मा के ज़्यादा चांसेस हैं, हरभजन सिंह के थोड़े कम चांसेस हैं, फिर दीपक चहर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, और यहाँ पर डेविड विली के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इमरान ताहिर के साथ आप चाहें तो जा सकते हैं, बाकी थोड़े से इसके ऑप्शन आज रहेंगे। बात करते हैं यहाँ पर मुंबई की प्लेइंग इलेवन की। तो मुंबई की प्लेइंग इलेवन पहले मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपर्ट की प्लेइंग इलेवन दिखा दे रहा हूँ। तो आप जानते होंगे आकाश चोपड़ा बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और एक्स क्रिकेटर भी हैं, तो इन्होंने एक प्लेइंग इलेवन जनरेट की है। तो मेरे हिसाब से इनका एक्सपीरियंस आपको पता ही है, मुझसे तो बहुत ज़्यादा है। तो गाइज अगर देखें इनकी प्लेइंग इलेवन के हिसाब से, तो यहाँ पर एवन इलेवन सूर्य कुमार यादव के साथ ओपनिंग करेंगे, फिर रोहित शर्मा आएंगे, फिर ईशान किशन आएंगे, फिर हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, और यहाँ पर पोलार्ड की जगह पे इन्होंने कटिंग को लिया है। तो इनके हिसाब से यहाँ पर कटिंग खेलने चाहिए, फिर मयंक मारकंडे हैं, बुमराह हैं, मुस्तफिजूर हैं और मिकलेगन हैं। तो आप जानते हैं बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं और कमेंटेटर भी हैं, तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, हमारे हमसे ज़्यादा नॉलेज है। तो यहाँ पर आप पोलार्ड की जगह पर चाहें तो कटिंग को आज ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में एक्सपर्ट है तो मेरे हिसाब से उतने गलत नहीं होंगे, और अगर इनको भी लगता है आज पुलाड़ नहीं खेलेंगे तो मेरे हिसाब से शायद नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्लेइंग इलेवन के हिसाब से एक एक्स्ट्रा यहाँ पर चेंज हो सकता है, मिलने को लाया जा सकता है मुस्तफिजूर की जगह पे, और ऐसा हो सकता है बिकॉज यहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हुए देखे हैं और लगातार टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है बिकॉज मुस्तफिजूर की परफॉर्मेंस खराब भी हो रही है, आपको खुद पता है, मैंने रिकॉर्ड्स आपको जो दिखाए थे, जो मैंने ड्रीम इलेवन का पहले वीडियो अपलोड किया उसमें सारे रिकॉर्ड्स आपको छः मैचेस के दिखाए थे। तो उसकी शीट भी मैं आपको अवेलेबल करा चुका हूँ इंस्टाग्राम पर, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो जाके देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी है, वहाँ पर ये शीट आपको अवेलेबल होगी। इसमें सारे छः मैचेस के रिकॉर्ड मैंने कवर करे हैं, विकेट्स प्लस रन्स। और इसके अलावा बात करें डेविड विली की, तो आपको बताई दी है चेन्नई की तरफ से बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर इनका ट्वीट भी है, तो हो सकता है आज का मैच यहाँ पर खेल जाएं। और बात करें हालाप्ले की टीम की, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको टीम दे रहा हूँ, हालाप्ले का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक प्रीव्यू ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रीव्यू का। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की आपको चॉइस दे दूँ, कृणाल पांड्या, शेन वॉटसन, हालांकि थोड़े से आउट ऑफ ऑन शेन वॉटसन चल रहे हैं, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ब्रावो, कृणाल पांड्या, शेन वॉटसन, इसके अलावा अंबती रायडू, सूर्य कुमार यादव, और आप चाहें सुरेश रैना के साथ भी जा सकते हो। ये कुछ इंपैक्ट प्लेयर हैं और हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और इनमें भी जो ऑलराउंडर है उनके साथ ज्यादा ज्यादा बेस्ट रहेगा, कृणाल पांड्या, ड्वेन ब्रावो और शेन वॉटसन। तो ये होगी हालाप्ले की बात, और अब हम यहाँ पर बनाएंगे इंडस गेम की टीम, और फिर बात करेंगे यहाँ पर और भी अदर मैचेस की। तो देख लेते हैं क्या इंडस गेम की हम टीम बना सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर मैं आपके सामने ही आज टीम क्रिएट करूंगा। आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन भी इनकी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन का ऑप्शन है और एप्लीकेशन थोड़ी बेटर ऑप्शन रहेगी। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो आपको पता है दो अच्छे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, ईशान किशन, एम एस धोनी। एम एस धोनी हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ मैचेस में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहती है और कंसिस्टेंट उतने नहीं है, 5 रन, 25 रन, 70 रन, फिर 5 रन, फिर 25 रन और फिर 69 रन, ऐसे इनके रन है। और अगर आप देखें तो 2 बार 5 रन बनाए हैं एम एस धोनी ने, 2 बार 25 रन बनाए हैं, 1 बार 70 बनाए हैं और 1 बार 79। तो ये इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं दो मैचेस के, और कुछ रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंटली थोड़े से मतलब पुअर हैं। तो बात करें ईशान किशन की, तो इनके भी रिकॉर्ड्स उतने कोई खास है नहीं, बट बैटिंग पोजीशन अच्छी है, तो इसी बेसिस पे मैं इनको ले रहा हूँ, बिकॉज इनकी बैटिंग पोजीशन अच्छी है। और बात करें बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से आपका जो पिक करने के लिए ऑप्शन होंगे, रोहित शर्मा को आप चाहे तो ले सकते हैं, इनके रिकॉर्ड्स मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं।
तो इनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको पता है 94 रन इन्होंने जनरेट किए थे एक मैच में। उसके बाद अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो एक में 11 हैं, एक में 15 हैं और ऐसी कुछ रन्स हैं, एक में बहुत कम रन, 2-3 रन भी हैं। तो बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा रोहित शर्मा का इस सीज़न में, तो इनको मैं यहाँ से पिक नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लेविस को ले रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से सूर्य कुमार यादव जो कि हाईएस्ट रन गेटर है मुंबई इंडियंस के, फिर यहाँ से सुरेश रैना को लूँगा और इसके बाद यहाँ से अंबती रायडू हाईएस्ट रन गेटर। अंबती रायडू को 8.8 क्रेडिट में ये दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है। तो आप चाहें तो इनको ले सकते हैं, बहुत अच्छी टीम आपकी बनेगी, क्रेडिट की प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर आपके लिए जो अच्छे ऑप्शन होंगे, सबसे पहले कृणाल पंड्या को ले लेते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो बेन कटिंग को ले सकते हैं, चांसेस आज इनकी भी बन रहे हैं। केरन पोलार्ड के चांसेस थोड़े से कम है, आप यहाँ से हार्दिक पांड्या को ले सकते हैं, बट मैं यहाँ से ब्रावो और वॉटसन को लूँगा। और जडेजा उतने कोई काम के प्लेयर बचे नहीं है, बिकॉज इनसे ना बैटिंग करवा रहे हैं ना बॉलिंग करवा रहे हैं, ठीक से बैटिंग नहीं आ पाती, बॉलिंग भी एक आध ओवर करते हैं, तो आपके लिए उतने काम के प्लेयर जडेजा नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पर कुछ गिने चुने प्लेयर बहुत अच्छे हैं, मयंक मार्कंडे जिनको आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा विकेट लिए, 11 विकेट अभी तक निकाले हैं मुंबई इंडियंस के लिए, वहीं मुस्तफिजुर ने 5 निकाले हैं और जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 9 विकेट्स निकाले हैं। तो ये मुझे याद भी हो गया बिकॉज मैंने आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स दी थी और मुझे वो सारी लगभग याद हो गई है, तो आपके लिए और बेटर टीम बना पाऊंगा अब मैं। और अगर आपने वो स्टैटिस्टिक्स नहीं ली है तो अभी भी बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पर जाके ले लीजिए, बहुत आपका फायदा होने वाला है और आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप टीम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मयंक मार्कंडे को मैं ले रहा हूँ, मुस्तफिजुर रहमान के थोड़े से कम चांसेस हैं, अगर मिलने खेलते हैं तो इनको बैठना पड़ जाएगा। फिर यहाँ पर और ऑप्शन में यहाँ से बुमराह अच्छे ऑप्शन है, शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छे ऑप्शन है, तो यही कुछ ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा चाहे वो ताहिर को ले सकते हैं, बट इनकी जगह पे आपको पता है विली खेल सकते हैं, अच्छा परफॉर्म किया है ताहिर ने, बट मेरे हिसाब से अगर वो खेलेंगे तो फिर इनकी जगह पे खेलेंगे। बात करते हैं टीम की, तो टीम प्रीव्यू आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरी टीम का प्रीव्यू है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। और इसके अलावा बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन यहाँ पे आपके लिए जो बेस्ट होंगे, कृणाल पंड्या शेन वॉटसन से बेस्ट कोई हो नहीं सकता आज, बिकॉज इनके चांसेस बहुत कम हैं फेल होने के। हालांकि 2 मैच से वॉटसन फेल हो रहे हैं, बट उसके पहले के रिकॉर्ड बहुत अच्छे थे और कृणाल पंड्या कंसिस्टेंटली इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कि हार्दिक पंड्या और केरन पुराट दोनों के रन मिला के भी कृणाल पंड्या के रन ज़्यादा हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छे पिक हैं कृणाल पंड्या, और वाइस कैप्टन में शेन वॉटसन बना सकते हैं, आप कैप्टन शेन वॉटसन और वाइस कैप्टन कृणाल पंड्या बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप किसको लेते हैं। मेरे हिसाब से सेफ टीम यही होगी। और आप चाहें ग्रैंड लीग खेलना तो अंबती रायडू ऑप्शन में है, सूर्य कुमार यादव है, हाईएस्ट रन गेटर है अपनी अपनी टीमों के, तो उनको भी आप ले सकते हैं। तो टीम को करते हैं सेफ। तो गाइस अब करते हैं यहाँ पर वीडियो खत्म, अगर आप इंडस गेम्स पे नहीं है तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा इसके पहले मैंने एक जो वीडियो डाली उसमें क्रिकेट प्लस प्लस का मैंने आपको बताया, सिर्फ उसमें 5 प्लेयर आपको लेने पड़ते हैं अच्छे प्लेयर और 3 प्लेयर आपको छोड़ने पड़ते हैं, यानी कि 3 सबसे बेकार प्लेयर लेने पड़ते हैं, 5 बहुत अच्छे प्लेयर लेने पड़ते हैं, ऐसी आपको कुछ टीम बनानी होती है क्रिकेट प्लस प्लस में, बहुत कम वहाँ पे कंपटीशन है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, और खेल सकते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी साइट है। तो गाइस खत्म करते हैं यहाँ पर वीडियो, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पर मेरी अगर आपको एफर्ट्स ठीक लगती है तो ही लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता रहे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा कॉमेंट्स में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको लगता हो कि आपको जानकारी चाहिए इस साइट के बारे में, या फिर कोई भी आपका डाउट हो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस बाय।